कैसे हैं आप? मैं कपिल सेफी, अब मैं बनाने जा रहा हूँ आज चिकन कोरमा। उसके लिए हमने आधा किलो चिकन लिया हुआ है, ये हमने कोकोनट पाउडर लिया हुआ है 3 चम्मच, ये 5 से 6 चम्मच हमने लिया हुआ है भुनी हुई प्याज, और ये हमने मखाने भून के रखे हुए हैं 7-8 मखाने, मतलब 15 से 20 मखाने हमने भुने हुए हैं। और ये मसाला हमने लिया हुआ है 1 चम्मच, हमने लिया हुआ है मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हमने लिया हुआ है धनिया पाउडर, और नमक लिया हुआ है स्वाद अनुसार, और ये 2 लौंग और आपका 8 काली मिर्च। चलिए तो शुरू करते हैं। और ये 200 ग्राम दही हमने ली हुई है। अब हम कुकिंग ऑयल गर्म कर लेते हैं। ये मैंने पहले ही भून के और पीस लिए थे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच गार्लिक, लहसुन गार्लिक पाउडर, ये हमने 3 चम्मच में डाल दिया। डालने के बाद हम इसको हल्का सा भूनेंगे। ये इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। इसके अंदर हम मसाले डाल लेंगे। सारे मसाले इसके अंदर डाल लेंगे। हम बाकी का सामान जो भी है ये दही के अंदर ऐड कर लेंगे। ये 200 ग्राम दही है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं नारियल पाउडर, मखाने, भुना हुआ प्याज, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके अंदर थोड़ा पानी डाल लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें।
इसके अंदर हमने एक कटोरी पानी डाल लिया और ये सब हमने तैयार कर लिया है। ये हमारा मिक्स हो गया, ये थोड़ा सा हम पहले भून लेंगे। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। जो पेस्ट हमने तैयार करा था वो पेस्ट इसके अंदर डाल लेंगे। थोड़ा सा ये ठीक होने लगा, इसके अंदर ये पेस्ट जो बनाया था हमने ये डाल देते हैं दही के अंदर। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा। ये देखिए हमारी ग्रेवी ठीक होनी चालू हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम ढक्कन रख देते हैं, इसको हम पकने देते हैं थोड़ी थोड़ी देर, देखते हैं फिर इसका बना कोरमे में क्या हाल है। ये देखिए अब हमारी रेसिपी बनके एकदम तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, कलर सा आया फ्रेंड्स। ये देखिए ये कोरमा हमारा बनके एकदम तैयार है। तो इसको सर्व करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया इसका, देखिए। ये देखिए ये हमारा चिकन कोरमा एकदम तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करें। थैंक यू।